कानून अध्याय की नहीं, इनका समर्थन करते हो, मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा। ये मध्य प्रदेश के किसान, भोपाल को पहाड़ के किसान, ये किसान कानूनों के पक्ष में जोरदार तालियां। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश से गूंजी ये आवाज दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि हर उस सूबे में जहां नए कृषि कानून का विरोध हो रहा है। जी हां, बीजेपी ने अब किसान आंदोलन के खिलाफ किसान सम्मेलन अभियान शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत हुई राजधानी भोपाल और महाकाल की नगरी उज्जैन से, जहां खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की पाठशाला लगाई और कृषि कानून के फायदे गिनाए। तो बता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पक्ष में हो? ये कानून लागू होना चाहिए कि नहीं? सुन लो, देश भर में ये किसान बोल रहे हैं। बीजेपी मानती है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, कहीं एक बार फिर किसान उसके बहकावे में ना आ जाए, जिसका खामियाजा उसे 2018 में भुगतना पड़ा था। क्योंकि किसान के दिमाग में एक बार जो फिट हो गया, उसे बदलना मुश्किल है। इसलिए बीजेपी नए कृषि कानून के फायदों के साथ किसानों से किए कांग्रेस के वादे भी याद दिला रही है। अरे कमलनाथ जी, तुमने क्या दे दिया था? कहा था कर्जा माफ कर दूंगा, और केवल आपने नहीं कहा था, आपके युवराज तो गिनती गिन गिन के बोलते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 दिन में माफ कर दूंगा। कर्जा माफी के चक्कर में रेगुलर डिफाल्टर कर दिए तुमने। अगले कुछ दिनों तक बीजेपी का पूरा जोर कृषि कानून के खिलाफ उठ रहे हल्के फुल्के शोर को दबाने पर रहेगा। उधर कांग्रेस भी कृषि कानून के विरोध में अब सड़क पर उतरेगी, किसानों के लिए उपवास भी रखेगी। मध्य प्रदेश में हर जिले के अंदर सड़क पर उतरकर उनका समर्थन करेगी। ये मंडी में जाएंगे और मजबूर करेंगे मंडी समिति को और सरकार को कि समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाए। और तीसरी बात, हम लोग जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर उपवास रखेंगे। देश के साथ राज्य में भी किसान मुद्दा सियासी फसल के लिए उर्वरक की तरह काम करता रहा है। सूबे में पिछले 2 साल में किसान मुद्दे पर 3 सरकार की अदला बदली हो चुकी है। 2018 में बीजेपी कर्ज माफी के वादे के कारण कांग्रेस से पिछड़ी थी, लेकिन इसी किसान कर्ज माफी के वादे पर कमलनाथ सरकार गिरी और बीजेपी सत्ता में लौटी। यह अलग बात है कि इसके दूसरे कारण भी रहे। शायद यही वजह है कि बीजेपी किसान मुद्दे पर अब कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हैं। जिस तैयारी से बीजेपी किसान के लिए मैदान संभाल रही है, ऐसा लगता है मुलताई और मंदसौर गोलीकांड को भी वो नहीं भूली। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है किसान आंदोलन वर्सेस सम्मेलन। किसान की जो दशा है वो किसी से छिपी नहीं है, और किसान की दशा पर सियासत भी खूब हुई है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। आज़ादी के बाद से किसान के हितों की अगर आप कहें कि बलि कहीं चढ़ती रही है, तो वो सियासत की ही बलि वेदी रही है। किसान के लिए दावे और वायदे तो बहुत हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो उस तक ठीक से कभी पहुंच नहीं पाया, और पहुंचा भी तो सत्ता के ऐसे वायदों के रूप में पहुंचा कि कर्ज माफ़ी कर देंगे। यानी किसान को कर्ज माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते हैं, लेकिन किसान को ज़रूरत है कि उसके अपने खेतों की जो खेत की खेती करने की जो उसकी प्रणाली है, वो प्रणाली परिवर्तन की तरफ बढ़े। आज भी किसान पारंपरिक खेती करता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। खाद और उर्वरक फर्टिलाइजर्स के मूल्य इतने बढ़ गए हैं कि किसान की उपज पूरी भेंट चढ़ जाती है फर्टिलाइजर्स और बीज खरीदने में। इन सब के बीच में ज़िंदगी उसकी भी है, बच्चे उसके भी हैं, शादी ब्याह उसके भी हैं। ये तो भूल जाइए कि वो कभी कुल्लू मनाली की घाटियों में गिरती हुई बर्फ़ को देखेगा या सिंगापुर जाएगा। ये तो बड़े फार्मर्स के सपने हैं जो पूरे होते हैं, लेकिन जो सीमांत कृषक, जिसको आप और हम कहते हैं, जो बटाई और बटिया की खेती करने वाला किसान है या बहुत छोटी जोत का किसान है, उसके नसीब में तो संघर्ष और सिर्फ संघर्ष है। और संघर्ष के बाद भी जो उसको मिलता है वो सियासत की तरह मिलता है।
जिस तरह का मसला किसान विधेयक को लेकर उठा है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि किसान विधेयक अगर देश हित में है, किसानों के हित में है, सबसे पहले तो किसान हित, और किसान हित होगा तो देश हित होगा ही, तो बिल्कुल पारित होना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए। किसानों के कुछ जो गलतफहमी फैला रहे हैं उनको बेनकाब भी करना चाहिए। लेकिन अगर इस विधेयक में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कहीं किसानों के हितों पर चोट करती हैं, तो साहब वो भी बिल्कुल डंके की चोट पर बदली जानी चाहिए, और बिल्कुल ये कहना चाहिए किसानों के बीच में जाके कि हम ये बदलने के लिए तैयार हैं, और केंद्र सरकार इस दिशा में आगे भी बढ़ रही है। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे कि प्रेमचंद की कहानियों के धनिया होरी से लेकर आज के नंद प्रकाश और दुर्गा लाल तक किसानों का जीवन बहुत बदला नहीं है, क्यों? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं अवनीश जी आपका। कृष्ण गोपाल पाठक जी हैं, युवा नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दोनों ही बड़े शालीन साथी हैं, और मैं चाहूँगा कि उग्र भाव से मुक्त रहते हुए एक बहस भी नहीं बल्कि मैं कहूँगा एक चर्चा के मोड पर अगर रहेंगे और अपनी अपनी बात गंभीरता से सुन, क्योंकि किसान बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, किसान आपका हमारा हम सबका है, इस देश का है। डॉक्टर सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, एक टिप्पणी छोटी आपकी लेकर संक्षिप्त टिप्पणी से शुरुआत करूँगा, इस मसले को आप किस तरह देखते हैं? बीजेपी कांग्रेस तो आमने सामने हैं ही, लेकिन किसानों के मसले पर सियासत, सियासत और सिर्फ सियासत। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम अगर शुरुआत करते हैं, जब देश आजाद हुआ तो हरित क्रांति के रूप में किसान राजनीति की धुरी में था। जय जवान जय किसान शास्त्री जी के समय में था। आपने देखा हो कि उत्तरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा, यहां से भी एक ऐसी लीडरशिप निकली जो चौधरी चरण सिंह और देवीलाल तक पहुंची, इन किसान आंदोलनों और किसानों से जुड़े होने के कारण डिप्टी से पीएम तक पहुंची। आज जो किसान आंदोलन है मध्य प्रदेश में, जो किसान आंदोलन चल रहा है, बट नेचुरली ये किसान आंदोलन का मतलब मसला ये है कि उन्हें कई किसानों को जो फार्म्स जो बिल आए हैं या फार्म्स जो लॉज आए हैं उनसे पूरा विरोध तो नहीं है, लेकिन जो एमएसपी है एमएसपी की गारंटी नहीं है। एक दूसरा क्या है, जो एपीएमसी और जो मार्जिनल फार्मर जैसा आपने बोला, जिनका जो ट्रेडिशनल रिश्ता है वो बहुत गहरा है। अब मध्य प्रदेश में ये मूवमेंट क्यों ना हो, सम्मेलन क्यों ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर इन फार्म्स बिल को बड़वानी कलेक्टर ने सबसे पहले, शिवराज वर्मा वहां कलेक्टर है, उन्होंने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया और धुले के एक किसान को वहां का जो पैसा था लगभग 3.5 लाख रुपए उसको दिलवाया। इसके बाद ग्वालियर, फिर उसके बाद होशंगाबाद, यानी देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने इस एक्ट को सबसे पहले बार इंप्लीमेंट किया और इससे एक मैसेज दिया। क्यों नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश शिवराज एक ऐसे लीडर है जिनकी देश के अंदर एक किसान नेता के रूप में पहचान है बीजेपी के अंदर। देखिए आपको पता है 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला मध्य प्रदेश को, फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। क्यों नहीं, तो मध्य प्रदेश से किसान सम्मेलनों के माध्यम से इन तीनों जो 27 सितंबर को इनेक्टेड हुए लॉज, इनके फेवर में मध्य प्रदेश अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा सपोर्ट है इस मध्य प्रदेश से, जो पूरे देश में आवाज दे जा सकता है। क्योंकि यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है केंद्र में, वो भी इस मध्य प्रदेश से है, और शिवराज जी एक किसानों के मसीहा के रूप में उन्होंने अपनी इमेज को बनाने का प्रयास किया है, जैसा कि उनकी जो इमेज है वो मध्य प्रदेश। आपको लगता है कि कांग्रेस का विरोध इसके मुकाबिल टिक पाएगा? मध्य प्रदेश में थोड़ी सी अग्नि तो जली है, मतलब चिंगारी शुरू हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि 2018 के बाद से किसान जो है जो हर पार्टी की सत्ता के पार्टी के केंद्र में आ गया है, क्योंकि उसने देखा कि जरा सा संक्षेप में डॉक्टर साहब जी, जी। जरा से शिवराज सिंह स्लिप हुए, स्लिप होने के कारण ये जो मंदसौर और जैसे आपने कहा मुल्ताई की जो गोलीकांड था उसकी चिंगारियां जो आउटस्कर्ट्स में राज है राजस्थान और छत्तीसगढ़ उन तक पहुंच गई, जिसके कारण भाजपा को तीनों राज्यों में सत्ता गंवानी पड़ी थी। तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश इसमें फूक फूक कर कदम रख रहा है, तो इस जो एजिटेशन है किसानों का जो प्रोटेस्ट है उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो शिवराज ने जो मध्य प्रदेश में स्टेप लिया है कि हर जिले में
एक आंदोलन सॉरी एक चलिए चलिए मैं लौटता हूँ, लेकिन आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा जरूर, क्या कांग्रेस का विरोध यहाँ टिक पाएगा, कितना टिक पाएगा? बीजेपी जिस तरह से जिस एटीट्यूड से उसने आज अपना कार्यक्रम शुरू किया है, और बीजेपी का अगले 20 दिनों तक ये पूरा जोर है कि मध्य प्रदेश के कोने कोने तक उसकी तगड़ी टीम पहुंचकर किसानों को ये बताए कि इस बिल की खूबियां क्या हैं, और जो तथाकथित ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खासतौर से MSP जिसका जिक्र आपने भी किया उसको लेकर और चीज़ों को लेकर भी ये बताएं कि केंद्र सरकार लगातार बात कर रही है, और जहां भी लगेगा कि किसानों के हितों के खिलाफ कोई बात है वहां उस चीज को तुरंत हटाने की दिशा में भी आगे बढ़ा जाएगा। बुंदेला साहब आपकी संक्षेप में, लेकिन जी फिर मैं चलूंगा अपने कृष्ण गोपाल जी की तरफ। देखिए शरद जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो फसल मूल्य निर्धारण जो आयोग का गठन कांग्रेस पार्टी ने 1965 में किया था, जो डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, वहां से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और जहाँ तक इस बिल की बात है शरद जी, तो आश्चर्य इस बात का है जब ये बिल लाया गया लोकसभा के पटल पर, तो उन्होंने सरकार ने खुद माना था कि हम इसमें 14 संशोधन करेंगे, लेकिन आज तक वो संशोधन नहीं किया। मध्य प्रदेश में चूंकि मामा को बहुत जल्दी रहती शिवराज जी को, उन्हें लागू भी कर दिया। अब मैं कुछ डेटा पेश करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में 259 मंडियां शरद जी, 259 मंडियों में अगर आप देखें जब ये जून में लागू किया गया, तो अक्टूबर की रिपोर्ट बताती है कि 259 मंडियों में से 47 मंडियों ने अपना बिजनेस जीरो रिपोर्ट किया, जीरो, 6 महीने का अगर आप देखें जीरो बिजनेस रिपोर्ट किया है। और उसमें से जो 133 मंडियां थी, 133 मंडियों के व्यापार में 60% की गिरावट आई है। बची हुई जो 69 जो मंडियां हैं, अगर उनमें अगर व्यापार चल पाए तो उससे रोजमर्रा की सब्जी भाजी फल के कारण वो मंडियां जीवित रह पाई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कृषि जो मंडी की रिपोर्ट है जो आप बकायदा देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात शरद जी, ये चर्चा तो बहुत हो गई कि जब किसान ही तैयार नहीं है तो इस तरह का बिल क्यों, ये तो हम कह रहे हैं किसान भी कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, आप तो डेटा देखिए, हमने 2018-19 के अगर हम डेटा देखें चेक करें शरद जी, तो 1200 करोड़ का व्यापार रजिस्टर किया गया था, 1200 करोड़ का। और आज की हम बात करें अक्टूबर तक की, तो मंडी बोर्ड का व्यापार मात्र 220 करोड़ है। आप मुझे बताएं, सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश है इस कानून को लागू करने वाला, तो अगर इतना भयंकर गिरावट हो रही, इतनी ज्यादा गिरावट हो रही, तो इस तरह का कानून लाने की आवश्यकता क्या है? शरद जी एक और MSP की जो बात हो रही, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा मक्का की MSP 1880 रुपए है, और कितना में, कितने में जा रहा है? 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल में जा रहा है। हम अगर मूंग की MSP देखें तो 7050 रुपए है, 2200 का दाम भी नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें कई अन्य फसलों की, उसमें हम धान की सबसे बड़ी बात, तो धान की बात करें, धान का 2800 रुपए MSP है, मिल क्या रहा है? 800-900 रुपए। तो जब इतना घातक कोई बिल है शरद जी, जब उसके परिणाम आपको 6 महीने में दिख गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो किसान बंधु कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी से, मोदी सरकार से, शिवराज सरकार से इत्तेफाक नहीं रखता, वो देशद्रोही कहलाता था, आज किसानों को भी देशद्रोही कह दिया किसने? देखिए चलिए अब मैं, मुझे लगता है लंबा होगा, लेकिन बड़ा सवाल मैं ये आप सबके सामने जरूर रखूंगा, क्या कोई सरकार अपने हितों पर कुठाराघात करके, अपने जिस डाल पर वो बैठी है उसी पर कुल्हाड़ी मारकर अपने जनाधार को समाप्त करेगी? ये बातें जो आपने कही हैं अच्छी तैयारी से कही हैं, और मैं नहीं कहूंगा कि उन आंकड़ों पर बंदी बंद करके प्रश्न उठाए जा सकते हैं। MSP को -23 में पहुंचा, ध्यान रखिएगा, उस समय भी इस तरह की ना रैलियां की थी, कहा था मोदी ने अच्छा किया। किसानों की स्थिति जो है बुंदेला साहब, किसानों की स्थिति क्या MSP लागू होने के बाद भी, क्या किसान कुछ और चीजों का गुलाम नहीं रहा? ये भी मैं सवाल छोड़ता हूँ। पहले आरोप ये लगता था कि मंडी के व्यापारियों का एक कार्टल बन जाता है और वो कार्टल MSP का लाभ नहीं देता। बहरहाल पाठक जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, कुछ सवाल जो इन्होंने खड़े किए हैं MSP को लेकर भी और तमाम बातों को लेकर भी, मंडियों के व्यापार को लेकर भी, कि मंडियां हिस्टोरिकल लो गई हैं। अब शरद जी निश्चित तौर पर सवाल खड़े किए जाना लोकतंत्र की पूंजी है, लेकिन जिससे सवाल किया जा रहा है यानी कि सरकार, जो भी सरकार में रहे उसके जवाब को सुना जाना भी लोकतंत्र की पूंजी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से देश में आई है तब से उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए। सबको मालूम है कि UPA सरकार से 6 गुना किसानी बजट बढ़ाने का काम, यानी कि 1,64,000 करोड़ का बजट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, जो UPA मनमोहन की सरकार से 6 गुना बड़ा था। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात, मैं यहाँ पर, मेरे मित्र ने पता नहीं कौन से आंकड़े पेश किए हैं, ये देश और प्रदेश सारा जानता है
कि इस साल कोरोना काल में भी शिवराज सरकार ने यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1,29,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का, अभी तो आप बोल रहे थे कि कोई बिजनेस नहीं हुआ, अब मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें, आपने अभी आपने कहा कि कोई बिजनेस ही नहीं हुआ, मंडी में 64 मंडी ऐसी जिनमें 0% व्यापार है, तो ये उसका एक खंडन है कि आपकी बात झूठी है। दूसरी बात, अगर हम यूपीए यानी मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की तुलना करेंगे, अभी मैंने बजट की बात बताई कि 6 गुना बजट हमने ज़्यादा बढ़ाया है। यूपीए सरकार के टाइम 2,06,000 करोड़ का धान खरीदी एमएसपी के रेट पे हुआ करती थी, जो मोदी सरकार ने बढ़ाकर 4,95,000 करोड़ तक पहुँचाई। गेहूं की खरीदी 1,68,000 करोड़ हुआ करती थी, जो मोदी सरकार ने बढ़ाकर 2,97,000 करोड़ तक पहुँचाई। दलहन और तिलहन भी हमने एमएसपी में शामिल किया, पहले 645 करोड़ से बढ़ाकर हमने उसको 49,000 करोड़ तक पहुंचाया, और 2000 करोड़ की तिलहन को बढ़ाकर हमने 25,000 करोड़ तक पहुंचाया खरीदी को। मोदी सरकार से किसी ने मांगा नहीं था, गांव में गरीब बसता है, किसान बसता है, हमने बगैर मांगे सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का पक्का घर दिया। किसको मिला? आज देश में सरजी आंकड़ा है, 79% उपयोग उसका प्रधानमंत्री आवास योजना का उपयोग किसानों ने किया है। अभी हमने देखा यूपीए सरकार से हम तुलना करें, इन्होंने 10 साल में 53,000 करोड़ कर्जा माफ करने की ये बात करते हैं। ये तो लेकिन शरद जी ठीक है, पाठक साहब मेरा निवेदन है कि जो मुद्दा है किसान का, जो ये विधेयक लाया गया है और जो इम्प्लीमेंट भी हो गया है, मध्य प्रदेश पहला राज्य है, इसकी खासियत क्या है और क्या लगता है आपको कि इस सियासत के पीछे औचित्य क्या है? देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के 10 राज्यों ने और इसको लागू करने का काम किया, उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, दिल्ली की केजरीवाल शासित राज्य भी है। सबसे पहले तो केजरीवाल जी ने इसको लागू किया था, कानून बनाने का काम किया था। रही बात, मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि किसानों के शंका को भ्रम को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहले दिन से तत्पर है। आपको ध्यान होगा पंजाब के किसानों की तरफ से ये आवाज आई थी, तो 13 अक्टूबर को पंजाब के किसानों के साथ केंद्र सरकार के कृषि सचिव की बैठक हुई थी, उसके पश्चात 3 दिसंबर किसानों के साथ बैठक का दिन निर्धारित किया गया किसानों की सहमति से। लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दे, अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पर क्यों, उन किसानों के साथ मुझे मेरी बात पूरी हो जाने दे, मेरी बात हो जाने। उसके बाद में 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर को केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने किसानों के साथ वार्ता की टेबल पे बात की। शरद जी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, किसानों की तरफ से, किसानों की तरफ से अभी तक ये नहीं बताया गया इन 6 दौर की बातचीत में कि इन 3 बिलों में कमी कहाँ है। सरकार पूछती रही कि भाई आप कमी बता दो, हम उसको दुरुस्त करेंगे, सुधारेंगे, लिखित में हम आपको लिख कर देंगे कि हम ये ठीक कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने फिर सोचा कि जब किसान नहीं बता रहे हैं तो इनकी शायद शंका इन बिंदुओं को लेकर हो, तो सरकार ने खुद बिंदु निकाल कर दिए कि आप इन पर विचार करिए, कहीं आपकी शंका के केंद्र ये तो नहीं है। उसके बाद भी आज तक किसानों की तरफ से जो वहां बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कोई चर्चा के लिए एक खाका पेश नहीं किया गया है। एक बहुत बड़ी बात अब जो उभर के सामने आई है, वो जो किसान बैठे हुए हैं पंजाब और हरियाणा राज्य के, विशेषकर पंजाब राज्य के, लेकिन देश के दूसरे कोनों में भी किसान संगठन बसते हैं। कल ही हमने देखा नरेंद्र सिंह तोमर जी को किस प्रकार से उन्होंने इस 3 बिल के समर्थन में एक पत्र देने का काम किया है। लेकिन मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का साफ बोलना है, देश का एक भी नागरिक, एक भी किसान अगर असहमत है, असंतुष्ट है, भ्रम में है, तो हम उसको दूर करेंगे। हम तो किसानों को बोल रहे हैं एमएसपी भी जारी रहेगी फूड प्रोसेसर के तौर पर, और किसानों के बीच जो एग्रीमेंट का मामला है वो भी हम उसका आपको लिखित में समाधान करके दे रहे हैं। किसान को ये चाहिए, आप देश में बहुत सारे किसान हैं, आज की डेट में 5-10% किसान जो वहां पर बैठे हुए हैं, मैं दूसरे राउंड में आता हूं, प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। दूसरा आप कुछ इनपुट्स देना चाह रहे हैं? सर देखिए, खुद सरकार ने माना कि 14 संशोधन होने क्यों नहीं हुए, और सबसे बड़ी बात आप तो इस बिल को पढ़ लीजिए, इसमें कहा गया है जो मंडी के जो व्यापारी हैं, जो कृषि जो व्यापार करना, उनको किसी तरह का लाइसेंस नहीं चाहिए, उनको किसी तरह की परमिशन नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ये जो बिल है ये किसान विरोधी है, ये साबित करता है। और मैंने जो आंकड़े पेश किए शरद जी, मैंने कोई गलत आंकड़े पेश नहीं किए, बकायदा मंडी बोर्ड के आंकड़े आप पता कर लें। और उसमें एक खास बात देखें, 1.5% मात्र 1.5% मंडी बोर्ड उस पर टैक्स लेता था,
बकायदा सरकार ने क्या किया, उसको 0.50% कर दिया। मतलब इनकी नियत ही नहीं है कि मंडियों को जिंदा रखा जाए, मंडी के स्टाफ को जिंदा रखा जाए। एक मेरा प्रश्न शरद जी, ये वही तीन बिल हैं जिनको शरद पवार जब मनमोहन सरकार में कृषि मंत्री हुआ करते थे, फाइल के जो दबा के लिए घूमते थे, सब विपक्षी दलों से बात करते थे, और राहुल गांधी जी ने तो दिसंबर 2013 में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये तीन बिल किसान, ये जो खाका पेश उन्होंने किया था। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आई और साथ में कांग्रेस शासित राज्यों ने इसको लागू भी कर दिया, कांग्रेस शासित राज्यों ने इसको लागू करने का भी काम कर दिया। अभी किसानों के बंदे पर अभी इन्होंने बड़ा प्रश्न उठाया था, डॉक्टर सत्य प्रकाश, सबसे पहले मुझे ये बताइए, एक आरोप ये भी लगा इस पूरे मूवमेंट को लेकर कि पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री कुछ विलंब से हुई, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इसको चैलेंजेबल बताती रही हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की हम बात करें या कांग्रेस की भी हम बात करें, कि पहले तोला गया कि कितना स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है। पहले किसानों का ही मूवमेंट ये रहा और किसानों का ही मूवमेंट ये अभी भी है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थन में कुछ विलंब हुआ। क्या आपको लगता है कि एक तो इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि ये एक रिफॉर्मिस्ट कानून है, एक सुधारवादी कानून है, और जब आप ग्लोबल एरा में एक सुधारवादी नज़रिए से आगे बढ़ जाते हैं तो आपको पीछे नहीं जाना चाहिए, एक कॉमन परसेप्शन अर्थशास्त्रियों का या तमाम लोगों का ये है। इसके आलोचकों का कहना है कि ये किसानों के हितों का जहां ये मुखालिफत करता है, विरोध करता है, वहां अमेंडमेंट्स होने चाहिए। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है जिसको हम दोनों तरफ से फॉलो कर रहे हैं, किसान भी अभी तक मैं बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई और सरकार को भी बधाई कि दोनों बहुत बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की कोशिशें निरंतर कर रहे हैं। आप किस रूप में इसे देखते हैं, राजनीतिक दलों की भूमिका आलोचनात्मक और जिस तरह की प्रक्रिया अभी संवाद की चल रही, दोनों पर एक टिप्पणी आपकी। जी सरसर, मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले तो आपका वो जवाब दे दूं जो मध्य प्रदेश में कानून, इसके बाद संक्षेप में सर। जी जी, आपने ये कहा कि मध्य प्रदेश में जो विरोध है वो शिवराज के सम्मेलनों के सामने टिक पाएगा या नहीं। जी, सीधी बात है कि मध्य प्रदेश में शिवराज ने एक जो इमेज डेवलप की है किसानों के बीच में, वो शायद कांग्रेस अभी इस समय ऐसा कोई लीडर सामने नहीं ला पाई, 15 मई की सरकार में भी या दिग्विजय सिंह जी की सरकार में भी, कि जिसको हम सामने फ्रंट लाइन में ला सके, जो शिवराज की जो किसान समर्थन वाली जो इमेज है उसको टक्कर दे पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं संदेह लगता है कि सम्मेलनों के सामने किसानों का बहुत मध्य प्रदेश में। जवाब आपने दे दिया, आगे जी। दूसरा आपका जवाब कि लेट क्या होंगे पॉलिटिकल पार्टीज, 27 नवंबर को जब ये तीनों लॉज इनेक्टेड हुए देश के अंदर, तो आपने देखा होगा इनका जो बीजेपी का यानी एनडीए का जो मेन घटक है श्रोमणी अकाली दल, वो दूर हुआ। दूर होने के बाद कांग्रेस यानी पंजाब कांग्रेस भी इसके विरोध में आ गई, खड़ी हो गई। आपने देखा होगा शुरू में ये आंदोलन इतना मजबूत नहीं लगा, क्योंकि जो गुरुमान सिंह जी थे उन्होंने इसकी शुरुआत की, तो वो इतने बड़ा नाम नहीं था जिसके कारण की ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाता। लेकिन पंजाब, हरियाणा, यूपी का कुछ क्षेत्र, इससे जब माहौल बना तो पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा उठाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर एज एन अपोजिशन पार्टीज अगर वो एससी मूवमेंट में नहीं आएंगे तो कल के दिन आगे वाले चुनाव में कैसे आगे जाएंगे। और कभी भी कोई भी कानून बनता है उस कानून में सभी चीजें अच्छी नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो कमियां होती हैं जो अमेंडमेंट के लायक होती है। आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि जो एमएसपी का प्रावधान है, अगर कहीं इसमें ये निश्चित हो जाता, और एपीएमसी के बारे में आपको फिर दोबारा बताऊंगा कि एपीएमसी और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके बीच में एक हिस्टोरिक रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है, उस रिलेशन को खत्म होने का डर है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह भी कहा है कि ये जो फूड सेफ्टी है, फूड सेफ्टी पे कहीं ना कहीं खतरा है, यानी फूड सेफ्टी की जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं डिमोबिलाइज हो सकती है इससे। तो इसके कारण जो किसान है, बेसिकली जो इसमें मार्जिनल फार्मर्स मुझे नहीं दिखता है, जो संपन्न किसान है वो ज्यादा इस मूवमेंट में आया है, क्योंकि उनको ये डर है कि हमारे जो एपीएमसी के जो आढ़ती हैं उनसे कनेक्टिविटी हटके कॉर्पोरेट की कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे
हमारा एक रिश्ता मजबूत। आप ये कहना चाह रहे हैं कि समृद्ध किसान इसके ज्यादा विरोध में है? यस, ये आपने देखा होगा कि हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के वो किसान जी, मध्य प्रदेश के वो किसान जो बेसिकली सिख ज्यादा है, मध्य प्रदेश से वो सिख इसको लीड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो सिख है वही वहां से जो कनेक्टेड है पंजाब से, जैसे कि आपने देखा होगा डबरा का कुछ इलाका, शायद इस आंदोलन का इतना संगठित स्वरूप भी इसीलिए है कि कहीं इसके पीछे हो सकता है, मैं नहीं कहता कि ये पूरा सच हो सकता है क्योंकि किसी भी बात को बिना जांचे परखे बिल्कुल, लेकिन आपने महत्वपूर्ण इनपुट्स दिए हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। वक्त कम है इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा, बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। बुंदेला जी पहले आप, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। शरद जी सबसे पहले तो जो किसान इस देश का डीएनए है, उस किसानों को आजकल भाजपा के नेताओं के द्वारा गाली देने का चलन, खासकर सर कोई भी ऐसा सर नहीं, हम सब किसानों का सम्मान करते हैं सर, यहाँ के कृषि मंत्री, वो बीजेपी की तरफ से वो कहेंगे कि किसानों का फायदा उठे तो मैं उनको भी टोकूंगा। कमल पटेल जी के बयान तो आपको याद होगा, जिस तरह के वार्तालाप वो करें, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, देशद्रोही किसान संगठन को कुकर मुत्ता कह दिया, ये बातें ये साबित करती है कि भाजपा कहीं ना कहीं, सबसे बड़ी बात शरद जी जो कृषि कानून बिल की आज बात हो रही है, छह महीने पहले शिवराज सरकार उसको लागू कर चुकी, छह महीने पहले मध्य प्रदेश में, ये जो अभी जो कह रहे सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और मैं सबसे, मेरी अभी भी एक ही सवाल है मेरे मित्र केजी भाई से कि आप तो मुझे बताएं एमएसपी पे माल क्यों नहीं बिक रहा है, इतना अंतर क्यों है और इसका आगे जाके स्वरूप कितना भयानक होगा शरद जी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पाठक साहब ये बिल्कुल ठीक बात है कि किसानों के मसले पर कोई भी ऐसा बयान ना हो जो किसानों की मूल भावना को, क्योंकि किसान यानी किसान, वो चाहे 5000 एकड़ का किसान हो, 500 का हो, 5 एकड़ का हो, या 0.5 डेसिमल एकड़ का हो, किसान किसान है सर। किसान को लेकर संतुलित बयानबाजी हो, आंदोलन को लेकर कोई ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं ध्यान बांटे। एक मसला है और मसला डेमोक्रेसी में बातचीत से हल होता है और जिसके लिए पूरी कोशिशें केंद्र सरकार की तरफ से जारी है। जी बिल्कुल शरद जी, किसानों के जो भी प्रतिनिधि मंडल सरकार के साथ वार्ता करना चाहें, सरकार पूरी तरीके से तैयार है और हर वो चीज़ जिसमें किसानों को लगता है कि इससे हमें इस बिल में वो त्रुटि है, सरकार ठीक करने को तैयार है, किसानों को लेकिन बताना पड़ेगा। दूसरी बात, देश के बहुत सारे किसान संगठन इन सब बिलों के समर्थन में भी आए हैं। तीसरी बात, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, फिर से बोल रहा हूँ, किसानों की आय दोगुना करने की कोशिश में ही 11 करोड़ किसानों को 75,000 करोड़ के बजट के माध्यम से हम अभी प्रधानमंत्री सम्मान निधि हर साल दे रहे हैं। आगे जाके ये राशि भी बढ़ेगी, बजट भी बढ़ेगा, किसानों की संख्या भी बढ़ेगी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसानों की आय दोगुना हो। उसके लिए हमें बजट के कितने भी दरवाजे खोलना पड़े हम खोलेंगे। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ जिस प्रकार से किसान खड़ा हो रहा है, अभी हमने बहुत सारे चुनाव देखे, बिहार देखा, गोवा देखा, मध्य प्रदेश के उपचुनाव देखे, राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव देखे, अगर ऐसा कुछ होता तो किसान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में क्यों खड़ा हो रहा है। दरअसल एक प्रश्न यहाँ पर बहुत बड़ा जो बार बार उभर के आ रहा है, किसानों का आंदोलन बदनाम कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं किसानों के पवित्र आंदोलन में सरजील इमाम और उमर खालिद जैसे दंगाई और आतंकवादियों को रिहा करने की मांग क्यों की जा रही है। 55 सांसद वाली आप कह रहे हैं, अगर कांग्रेस इतना बड़ा संगठन खड़ा कर रही है तो फिर आपकी बात वहां में उसमें दम ही रह जाता है। आप कहते हैं कांग्रेस का संगठन खत्म हो चुका है शरद जी, लंगर खिलाने का काम नहीं, और एक तरफ कहते हैं कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रही है। बहुत 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 धन्यवाद पाठक जी, धन्यवाद बुंदेला जी, धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। बड़ा मसला यही है जो यहाँ चिंता जता रही है बीजेपी। आखिर किसी भी मसले को पॉलिटिकल एंगल से जब हल करने की कोशिश होती है तो उसमें सियासत के साथ कुछ भड़काने की कोशिशें भी कहाँ से होती हैं? क्या वो भी सियासी दलों की तरफ से होती हैं? इस देश में कुछ बड़े घटनाक्रम हुए हैं, मैं जाना नहीं चाहूँगा उनकी पृष्ठभूमि में, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ जिस तरह से सियासी हस्तक्षेप हुआ तो जिन लोगों को वहाँ बिठाया था वही लोग सरदर्द हो गए, और ऐसा होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या हर चीज़ को संदेह से देखना ज़रूरी है? क्या हर चीज़ में हम ये एक एंगल लेकर चलें कि इसमें संदेह ही है? शिव की तरह किसान भी औघड़ है इस देश का, और अगर आपको उससे बात करनी है तो भभूत मलनी पड़ेगी और चाहे आप अधोवस्त्र पहन के जाएं, लेकिन किसान से किसान बनकर ही बात करनी पड़ेगी और किसान के मसले खेती किसानी के अंदाज में और उसको समझने के साथ ही समझने होंगे। सबसे अच्छी बात अब तक इस पूरे घटनाक्रम की ये है कि एक तरफ किसानों ने एक संगठित आंदोलन की तरफ कदम ज़रूर बढ़ाया है,
लेकिन उन्होंने हिंसा से या आम लोगों को तकलीफ देने से अपने कदम पीछे खींचे हुए हैं। और सरकार ने भी पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह हों, गडकरी साहब भी शामिल हो गए हैं, यानी जो टॉप बैटरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है एनडीए की और बीजेपी जिसका नेतृत्व करती है, वो इस पूरी रस्साकशी में लगातार किसानों से बात कर रही है। और सबकी कोशिश यही है कि हम पूरी दुनिया इस समय हमें देख रही है, और दुनिया जब हमें देखती है ऐसे मसलों पर, तो उन मसलों का हल और डेमोक्रेटिक तरीके से हमें हल करना है, और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये मसला गरिमा के साथ हल होना चाहिए, क्योंकि किसानों की गरिमा भी जुड़ी है, देश की गरिमा भी जुड़ी है। इसलिए कोई भड़काऊ बात, भड़काऊ बयान किसी राजनीतिक दल की तरफ से हम समझते हैं कि नहीं आना चाहिए। नमस्कार।